लंका पुलिस ने मलहिया स्थित गायत्री नगर अंडरपास हाईवे के पास 8 मार्च को चाकू से गोदकर और गला रेतकर श्रवण राजभर की हत्या के 3 आरोपितों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 3 हत्या आरोपितों में से एक नाबालिग है। पुलिस ने बताया कि श्रवण राजभर की हत्या आशनाई के विवाद में हुई थी। इन तीनों की गिरफ्तारी विश्व सुंदरी पुल के पास से हुई है। शनिवार को उसका खुलासा डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने अपने कार्यालय में मीडिया के सामने किया। गिरफ्तार आरोपितों में मलहिया की कमलेश राजभर उर्फ उमेश, योगेश्वर राजभर उर्फ राजा राय उर्फ बंगाली के अलावा एक नाबालिग है। श्रीलंका अंतर्गत श्रवण राजभर 22 वर्षीय नवयुवक की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई थी। केस के अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक लंका व चौकी प्रभारी रमना के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज टीम ने सफलता अर्जित की है। घटना में 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला सिंह छात्रावास के छात्रों ने शनिवार को लंका थाना का घेराव किया। मारपीट के मामले में मुकदमा न दर्ज करने किए जाने से छात्र आक्रोशित रहे। आरोप लगाया कि पुलिस मामले में कार्रवाई करने में सुस्ती बरत रही है। वही आरोपी की ओर से समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित छात्र संतोष कुमार का आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र ने नशे की हालत में उनके साथ गाली गलौज की। अपने साथ आए एक युवक को पैर छूने के लिए दबाव बनाया, इससे इनकार करने पर मारपीट भी। मैं कला इतिहास का छात्र हूं, बिरला सिंह हॉस्टल में रहता हूं। 21 तारीख की शाम करीब 8 बजे के आसपास शुभम सिंह ने हमको फोन करके बुलाया, जो है मैं बाहर था, बुलाया इन्होंने मुझे, मैं गया। वहीं हॉस्टल में मैं रहता हूँ, बगल में ये रहते हैं। मैं वहाँ पर गया तो मुझसे ये मिले और मुझसे मुझे बोले कि मैं 20 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ। जब 20 मिनट बाद ये मुझसे मिले तो अपने रूम के सामने मिले और अपने रूम में मुझे बुलाए, मित्र मित्र कह करके। एक लड़का वहाँ बैठा हुआ था, उसका पैर छूने के लिए बोले, मित्र मैं इनका पैर छूना, आप जगह पैर छूए उनका। मैंने कहा भाई मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं पैर नहीं छूँगा किसी का। यूपी कॉलेज छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 16 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रधान चुनाव अधिकारी प्रोफेसर बनारसी मिश्र और प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह के अनुसार 18 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों व दस्तावेजों की जांच होगी। कार्यक्रम के अनुसार 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है। फिर 28 जनवरी की सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना शुरू होगी और चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारत जोड़ो प्रादेशिक यात्रा के समापन के बाद शनिवार को कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय अपने आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए। बताया कि 12 दिन में 12 जिलों की यात्रा के दौरान व्यापक जन समर्थन मिला है। जीएसटी की मार झेल रहे छात्रों और व्यापारियों ने जमकर साथ दिया है। उन्होंने पूर्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताने के बयान को दोहराया। कहा कि आज गब्बर सिंह टैक्स के डर से व्यवसायी दुकानें बंद कर भाग रहे हैं। इस सरकार ने तो कफन पर भी जीएसटी बढ़ा दिया है, ये अन्याय और अत्याचार नहीं है तो और क्या है। फिल्म में गब्बर सिंह टैक्स वसूलता था, आज जिसका कोई नहीं है वो भी टैक्स वसूल रहा है। शासन सत्ता में बैठे लोग गब्बर की भूमिका में है। उसका कोई नहीं था फिर भी वसूलता था टैक्स, वही हाल यहाँ भी है। जिसका कोई नहीं है वो भी गब्बर सिंह टैक्स वसूल रहा है। अरे गब्बर जो सरकार में बैठे लोग वही गब्बर है। अपने कहावत है ना कि भाई गब्बर आ गया तो भाग रहे हैं दुकानदार। गब्बर आया तो जो शासन सत्ता में बैठे हैं वही लोग गब्बर हैं। मुख्तार अंसारी, निश्चित तौर से मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं, न्यायपालिका का हृदय की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं। किसान पदयात्रा निकालकर आजमगढ़ जा रहे मैक्से पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे को पुलिस ने शनिवार की सुबह कैंट रेलवे स्टेशन के समीप हिरासत में ले लिया। पुलिस किसान यात्रा के लिए अनुमति न होने, वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू होने का हवाला दे रही है। डॉक्टर संदीप पांडे आम्बेडकर चौराहे से पदयात्रा निकालने वाले थे। पदयात्रा 27 जनवरी को आजमगढ़ पहुंचती, वहां सभा होनी थी। दरअसल आजमगढ़ के मंदुरी एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसान लामबंद है। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप है कि सरकार 80% किसानों की सहमति के कानून का भी पालन नहीं कर रही है और जबरन जमीन हथियाना चाह रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, प्रशासनिक न्यायाधीश मथुरा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल व न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जैन ठाकर शनिवार को बनारस रेल इंजन कारखाना दौरे पर आए। उन्होंने कारखाने का निरीक्षण भी किया। इस दौरान महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। न्यायमूर्ति गढ़ो ने बरेका में विभिन्न शॉपों का भ्रमण किया, रेल इंजन उत्पादन से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने लोको ड्राइवर कैब का भी निरीक्षण किया।
जिलाधिकारी एस राजलिंगम शनिवार को जिले में उचित दर दुकानों की जमीनी हकीकत जांचने निकले। उन्होंने शहरी क्षेत्र के कलेक्ट्रेट प्रखंड के शुपुर सैर क्रय विक्रय समिति का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी जब निरीक्षण के लिए पहुंचे तो दुकान खुली थी और खाद्यान्न वितरण हो रहा था। दुकान पर आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित थी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने दुकानदार से कार्ड, दुकान का आवंटन और अब तक विवरण की जानकारी के बाबत पूछताछ की। विक्रेता ने बताया कि PMGKY योजना अंतर्गत अक्टूबर के सापेक्ष निःशुल्क 5 किलोग्राम प्रति यूनिट राशन का वितरण हो रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव करीब आते ही परिसर में सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव प्रचार चरम पर है, ऐसे में शांति व्यवस्था के लिए बाहरी लोगों का परिसर में प्रवेश रोकने के लिए शनिवार को चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अमिता सिंह फोर्स के साथ परिसर में घूमी। उन्होंने परिसर में मिले छात्रों का परिचय पत्र चेक किया, बाहरियों के बाहर जाने की अपील की। चेकिंग के दौरान कई छात्रों के पास परिचय पत्र नहीं था। उनका कहना था कि उन्होंने हाल ही में प्रवेश लिया और उनका परिचय पत्र नहीं बनाया गया है। ऐसे में चीफ प्रॉक्टर ने उन छात्रों से फीस जमा करने वाली रसीद मांगी। हालांकि इस चेकिंग का कुछ छात्र नेता विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। प्रभु यीशु के जन्मदिवस क्रिसमस की तैयारियां वाराणसी में जोरों पर है। नगर के अधिकतर बाजार तरह तरह के परिधानों में सजे सेंटा क्लॉज के अलावा रंग बिरंगे आकर्षक सजावट के सामानों से अटे पड़े हैं। इस बार सेंटा क्लॉज और सजावट की सामानों की क्वालिटी बेहतर है। BLW का जलाली पट्टी स्थित गुमटी मार्केट भी क्रिसमस के सामानों से अटा पड़ा है। वहीं दूसरी ओर कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित लाल गिरजाघर में 3 दिवसीय धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्च से जुड़े लोगों में अपने आराध्य के जन्मदिवस पर उत्सव मनाने की बेचैनी है। इसके अलावा मलदेहिया और गिरजाघर स्थित चर्चों में भी सजावट से लेकर प्रार्थना सभाओं की तैयारियां अंतिम चरण में है। मसीही समाज अपने उत्सव को भव्यता देने में जुटा हुआ है। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयनगरम मार्केट और आसपास के कई होटलों में चल रहे देह व्यापार के अवैध धंधे के खिलाफ ACP चेतगंज शिवा सिंह के अभियान के तहत शनिवार की तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई। सिकरा थाने के इंस्पेक्टर राजू सिंह के साथ टीम ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग स्टेशन के आसपास खड़ी महिलाओं से सौदेबाजी कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में नई दिल्ली, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी के लोग शामिल हैं। बता दें कि स्टेशन के आसपास लंबे समय से कई महिलाएं और युवतियां खड़ी होकर लोगों से सौदेबाजी करती हैं। सौदा पर जाने के बाद उन्हें आसपास के गेस्ट हाउस व होटलों में ले जाया जाता है। कभी कभी तो दूर दराज से मोटी रकम लेकर आने वाली यात्री भी इनके चुंगल में फंस जाते हैं। होटल में ले जाने के बाद पकड़े जाने या पुलिस से दुष्कर्म की शिकायत कर जेल भिजवाने की धमकी देकर उन्हें लूट लिया जाता है। ऐसे लोग कहीं शिकायत भी नहीं कर पाते। सिकरा पुलिस ने अब इस धंधे पर चोट करनी शुरू कर दी है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।